सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित होगा। इस खास मौके पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। कॉन्क्लेव में मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री कई विषयों पर बात और विचार विमर्श के लिए रखे गए विषयों पर बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम कार्यक्रम भी किए जाएंगे। सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक भी जारी होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? जो प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी, उनका जो मन की बात रेडियो पे जो मन की बात वो करते थे, उसका 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। इसको लेकर के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक व्यवस्था की है और उसके तहत एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 20 अप्रैल को यह 100 एपिसोड पूरा हो रहा है, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है प्रसार भारती की तरफ से, और इसका जो है उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना 100 एपिसोड पूरा कर चुके हैं मन की बात को लेकर के, पूरे भारत से वो कनेक्टिविटी उनकी बनी रेडियो के माध्यम से, उन्होंने अपनी मन की बात के हिसाब से मन की बात और जो जनता थी उनकी मन की बात को जानना चाहता तो उसका संवाद कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अब एक अलग खेमे में नजर आ रही है। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, ये उपराष्ट्रपति उसका उद्घाटन करने वाले और समापन केंद्रीय मंत्री जो है गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो मन की बात को लेकर के 100वां एपिसोड पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद के दौरान कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिये, कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी मिली है कि मनोरंजन और खेल जगत से, यानी अगर फिल्म स्टार की बात की जाए और लोगों की बात की जाए, तो उसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का मामला है। और इसमें जो खेल जगत के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी 100 एपिसोड में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो संपर्क स्थापित किए थे, उनमें से भी कुछ लोगों का नाम है। हालांकि अभी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। 30 अप्रैल को जो ये सम्मेलन होना है, उसमें नामों जो लोग इसमें महारथी शामिल होंगे, इसमें देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें नामचीन हस्तियां शामिल होंगी, जैसे खेल जगत से, फिल्म जगत से, मनोरंजन जगत से। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। और जो राजनेता है उत्तर प्रदेश या भारत की जमीन से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। रितेश, देखिए, पीएम मोदी की ये जो मन की बात कार्यक्रम है काफी लोकप्रिय है, लोग इसे बड़ी संख्या में देखते हैं। वहीं कार्यक्रम को 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि 100वें एपिसोड का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। अब बिल्कुल बेवरी, मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात और कई भाषाओं में चलती है उनकी मन की बात, उसके बाद पूरे भारत में लोगों की लोकप्रियता बढ़ी है मन की बात को लेकर। एक नया चीज उन्होंने एक एपिसोड निकाला था जो लगातार ये 99वां एपिसोड पूरा हो रहा है, 100वां एपिसोड चल रहा है और ये 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को पूरा हो रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा होकर के एकत्रित होकर के एक सम्मेलन कर रही है मंत्रालय के द्वारा। अब उसमें बात और भी सामने निकल के आ रही है कि मन की बात पर आधारित दो किताबों का लोकार्पण भी किया जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर एक सिक्का और एक टिकट भी जारी किया जाएगा। तो बड़ी उपलब्धि होगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल भी जिस तरीके से चल रहा है, तो जनता उनका साथ दे रही है और मन की बात से लोग लगातार कनेक्ट। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बता दें मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। पीएम नेतृत्व में कैबिनेट बैठक होगी। बता दें सिक्का, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक जारी किए जाएंगे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और कर्नाटक फतेह के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जारी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया है, जहाँ योगी आदित्यनाथ आज से अपने कर्नाटक चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में मांड्या और विजयपुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और योगी सुबह 10:30 बजे मैसूर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वह सीधे मांड्या के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में उनके लिए चुनावी रैली का कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ आज मिशन कर्नाटक पर रहेंगे। बता दें कि तमाम कार्यक्रम भी शामिल होंगे और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, यूपी कैबिनेट मंत्रियों की कर्नाटक चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, वहीं साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आज कर्नाटक जा रहे हैं, जहां वो प्रचार प्रसार करेंगे। क्या कुछ उनका कार्यक्रम होगा, क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता जो योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर है। आज उनकी दो जनसभाएं हैं मांड्या और विजयपुरा में, वहां पर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसको लेकर के वो आज पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे उनकी पहुंचने की बात वहां पर कही जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव चल रहा है और निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला नाम होता है और फायर ब्रांड नेता के नाम में जाने जाते हैं। उनका एक भाषण सुनने के लिए लोगों की कतार लगी रहती, तो उनका भी नाम 40 लोगों की लिस्टों में शामिल किया है, 40 स्टार प्रचारक बनाया गया है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए। वहां के लिए जो स्टार प्रचारक, उसने नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं मयूरी आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहा है, निकाय चुनाव के मद्देनजर अभी 75 जिलों को कवर कर पाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के दौरे पर है और वहां की विधानसभा चुनाव को और वहां की सीट को अपने कब्जे में करने के लिए आज वो वहां पर भाषण देंगे। मांड्या और विजयपुरा में वहां पर इनकी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में अपना पैर जमा रहे हैं और पैर जमाने के लिए पहुंच रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं जनता के वोटों को साधने में वो कामयाबी पा सकते। रितेश, देखिए सीएम योगी बीजेपी के फायर ब्रांड प्रचारक माने जाते हैं और एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं, जो उनकी छवि बनी हुई है बुलडोजर बाबा के नाम से, तो आज वो खुद कर्नाटक के मैदान में उतरेंगे, तो क्या इसका कुछ फायदा देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल मयूरी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जुबान से यदि कोई बात निकलती है, अभी सहारनपुर में संबोधन के दौरान निकाय चुनाव का जो प्रचार चल रहा था, संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर वहां जो भाषण दिया वो पूरी जनता ने सुना। उसके बाद उसको सुनने के लिए उन्होंने कह दिया कि यूपी में सब चंगा है, यानी उत्तर प्रदेश में बहुत भय का माहौल नहीं है, गुंडे माफियाओं का जो जगह है वो जेल में है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, जो भू माफिया थे वो कहीं ना कहीं कटघरे में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी इस बात को कहा था। ये देखा जा सकता है, एक बार उनकी एक नई प्रतिक्रिया आई, बुलडोजर आया, बुलडोजर के बाद कहीं ना कहीं भय का माहौल बना, उसके बाद ये ऐसे नेता के रूप में उभर करके आए हैं। इनकी बातों को सुनने के लिए और इनकी बातों को ग्रहण करने के लिए हर मतदाता खड़ा होता है और इनकी बात सुनता है और अमल करता है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है और एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं, इसलिए उनको कर्नाटक दौरे पे भेजा जा रहा है। और एक बात ये भी सामने निकल के आ रही है, आज वो कर्नाटक दौरे पर है, इसके बाद आखिरी चरण में भी अभी 30 तारीख के आसपास ही उनको दोबारा वहां भेजा जा सकता है। फिलहाल 40 स्टार प्रचारकों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर्नाटक पहुंच रहे हैं और दो विधानसभाओं में उनका जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से बुलडोजर को लेकर के, जिस तरीके से यूपी में सब चंगा हुआ को लेकर के अचानक उनकी जो बातें निकली सहारनपुर रैली के दौरान, तो कहीं ना कहीं ये बातें भी अब मतदाताओं को लुभा रही है और मतदाता भी इस चीज को समझ रहे हैं कि उन्हें वोट किसको देना है और कहां पर अपना पक्ष रखना। रितेश, अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखें तो किसकी टक्कर देखने को मिल रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए कर्नाटक में कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से वहाँ सरकारें रही है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आप भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाने के लिए, अपनी वोटरों को मजबूत करने के लिए यहाँ से
उत्तर प्रदेश से इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक वहाँ भेजे जा रहे हैं, केंद्र से भेजे जा रहे हैं, और सबसे बड़ा नाम निकल के क्या आ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनका तमगा जो सबसे बड़ा बुलडोजर का चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं उसमें साबित हो रहा है, जनता के बीच में जा रहा है। जो भू माफिया थे वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो रहा है, और जो जितने भी माफिया थे जो गैंग कार्रवाई जिन पर होती थी वो भी कहीं ना कहीं फटकरे में, जिसको लेकर के पूरी देश जनता समझ चुकी है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है और किस तरीके से। फिलहाल अब जो चुनावी इसमें माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पूरे 75 जिलों में नगर निकाय चुनाव की तारीखें भी आ गई, 4 तारीख और 11 तारीख को यहाँ भी चुनाव होगा, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक एक मिनट उनका इस समय मुख्य है किस तरीके से वो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर चले हुए, फिलहाल वो अपनी जीत को काबिज करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन कर्नाटक पे हैं, जहां वो आज तमाम चुनावी रैली और कार्यक्रम में शामिल होंगे और जमकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो